वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अडोल्स लर्नर्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण टीचिंग इफेक्ट होती है फर्स्ट फैक्टर है टीचर सेकंड है लर्नर थर्ड है सपोर्ट मटीरियल फोर्थ है इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ फिफ्थ है लर्निंग एनवामेंट एंड इंस्टीट्यूशन फर्स्ट फैक्टर है टीचर खुद जो पढ़ाता है लर्नर जो पढ़ रहा होता है सपोर्ट मटेरियल किस चीज़ का यूज़ करके कंटेंट को टीचर पढ़ाता है इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं जो टीचर यूज़ करता है एंड लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लिए अब इनको डेप्थ में देख लेते हैं फर्स्ट है टीचिंग एटीट्यूड टीचर टीचर इज़ एन आर्ट क्वालिटी टीचिंग डिपेंड ऑन द डेडिकेशन लव एंड डिवोशन ऑफ द टीचर टीचिंग एक आर्ट है एक क्वालिटी है जो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से स्टूडेंट्स को समझाता है अपने जो भी सब्जेक्ट के बारे में वो पढ़ा रहा होता है टीचर्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ड्यू टू पुअर कॉन्स्टेपचुअल क्लियरिटी में सर्वरली इफेक्ट टीचिंग कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है टीचर के अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस होगा तो वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा बच्चों के साथ टू मेक इफेक्टिव टीचिंग फॉलोइंग एटीट्यूड्स कैन बी डेवलप मतलब फिजिकल मेंटल एंड इमोशनली कनेक्ट होना टीचर को बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के साथ ताकि वो अच्छी परफेक्ट टीचिंग कर पाए टीचर शुड बी ट्रेंड अनफ टू बी सक्सेसफुल इन केयरिंग स्टूडेंट्स वेरिंग नीड्स एंड एबिलिटीज इन इंक्लूसिव सेटिंग्स टीचर शुड बी फ्लैक्सीबल विद द लेसन लेसन के साथ फ्लेक्सीबल होना चाहिए एंड कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए टीचर के अंदर टीचर 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 अफेक्शनेट होना चाहिए सिंपथी होनी चाहिए डेमोक्रेटिक ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव होना चाहिए एंड डायनामिक नेचर होना चाहिए उसका अपने बच्चों के साथ जो भी स्टूडेंट्स को वो पढ़ा रहा है प्रोफेशनल कंपिटिटेंस लाइक कमांड ऑन द सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट के बारे में वो पढ़ा रहा है उसके अंदर कमांड होनी बहुत ज़रूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो बहुत ज़रूरी है टीचर के स्टूडेंट्स के साथ इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ क्लासरूम मैनेजमेंट इवेल्यूटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग ऑल्सो मतलब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं टीचर के लिए सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट के बारे में वो पढ़ा रहा है इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ कैसी है क्लासरूम है या नहीं क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा है एंड स्टूडेंट्स लर्निंग मतलब स्टूडेंट्स पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं जो भी टीचर पढ़ा रहा है फ्राम द ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू वी क्लासीफाइड टीचिंग स्किल्स इंटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज तीन कैटेगरीज हैं फर्स्ट है कोर टीचिंग स्किल्स मतलब कॉमन सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए टीचर को स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स जिस भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा रहा है टीचर को पूरी नॉलेज होनी चाहिए लाइक मैथ साइंस एंड टारगेट ग्रुप ईच स्पेसिफिक स्किल्स फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन मतलब हर स्टूडेंट को टारगेट करना चाहिए जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको अच्छे तरीके से समझाना चाहिए पूरा एक्सप्लेन करके जिनको भी डिफिकल्ट लग रहे हैं कोई भी टॉपिक तो ये सारी चीज़ें टीचर के ऊपर डिपेंड करती है टीचर किस तरीके से बच्चों को समझाता है सेकेंड है लर्नर एटीट्यूड लर्नर का कैसा एटीट्यूड होना चाहिए मोर इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग अच्छे से पढ़ना चाहिए लर्नर को मोर रिटेंशन जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए मोर स्कोप ऑफ कोग्नेटिव डेवलपमेंट पढ़ते पढ़ने के कारण उसका कोग्नेटिव डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है उसका माइंड ग्रोथ करना चाहिए सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करनी चाहिए एंड मोटिवेटेड होना चाहिए लर्नर्स को जो भी वो पढ़ रहे हैं टीचर उसको पढ़ा रहे हैं अब कुछ बैक बैकग्राउंड देख लेते हैं लर्नर का बैकग्राउंड मैटर करता है उसको नॉलेज है नहीं जिस भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहा है नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल किस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है कैसे पढ़ रहा है मोटिवेटेड है या नहीं है लर्निंग सपोर्ट दे रहा है नहीं दे रहा टीचर को कोई नेगेटिव कमेंट तो नहीं कर रहा एंड डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा टीचर को पढ़ाते समय तो ये सारी चीज़ें टीचर के ऊपर स्टूडेंट के ऊपर मैटर करती है लर्नर के ऊपर मैटर करती है जो भी पढ़ रहा है क्वालिटी एंड रेट्स ऑफ लर्नर सच एज देयर इंटेलिजेंस एटीट्यूड मोटिवेशन लर्निंग स्टाइल एप्टीट्यूड रेडीनेस टू टेक रिस्क कैन इम्पैक्ट द वे दे लर्न मतलब सारी चीज़ें मैटर करती हैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो लर्नर है पढ़ रहा है किस तरीके से वो पढ़ रहा है टीचर को सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा पूरा कॉरपोरेट करना चाहिए एंड नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाहिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए टीचर को जब भी वो पढ़ा रहे हैं थर्ड है सपोर्ट मटेरियल कौन कौन सा सपोर्ट मटेरियल यूज़ करना चाहिए टीचर को सपोर्ट मटेरियल इज़ वेरी एसेंशियल विच अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इट इज़ एन इम्पोर्टेंट रिड्यूज इन टीचिंग सपोर्ट मटेरियल इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक कौन कौन सी टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक का यूज कर रहा है टीचर एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा है नहीं करवा रहा टेस्ट ले रहा है नहीं ले रहा स्टूडेंट्स का द सपोर्ट मटेरियल एम टू सपोर्ट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन अचीविंग द लर्निंग मतलब सपोर्ट मटेरियल ही है जो अचीव करने अचीव करता है स्टूडेंट्स के लिए एंड टीचर्स के लिए भी ताकि बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाए इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ दैट असिस्ट एंड इंस्ट्रक्चर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मतलब कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं टीचर जो जिनके कारण अच्छे से पढ़ा सकता है रिकॉर्डर हो गया प्रोजेक्टर हो गया प्रोजेक्टर के थ्रू टीचर अच्छे से पढ़ा सकता है इंटरनेट की हेल्प लेकर टीचर स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा सकता है इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ प्ले एन ग्रेट रोल इन इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मतलब लर्निंग प्रोसेस में इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है कि किस तरीके से इफ़ेक्टिव लर्निंग हो पाए जिस तरीके से स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ पाएं जो भी टीचर समझाना चाह रहा है फिफ्थ है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट किस तरीके का एनवायरनमेंट होना चाहिए टू क्रिएट अ गुड टीचिंग लर्निंग एन्वायरमेंट बोथ साइकोलॉजिकल एंड इंस्ट्रक्शन प्रस्पेक्टिव शुड भी टेकन इन टू द अकाउंट मतलब अच्छा लर्निंग एनवायरमेंट होना चाहिए शांति होनी चाहिए कोई शोर डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए जिस तरीके से बच्चे अपना कंसेंट्रेट कर पाए पूरी स्टडीज़ के ऊपर इन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट बोथ टीचर एंड स्टूडेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट इज डाइवर्स प्लेटफॉर्म वेअर यूजर एंगेज एंड इंट्रैक्ट टू लर्न हाउ न्यू स्किल्स मतलब इंट्रैक्ट करता है स्टूडेंट्स टीचर के साथ और टीचर स्टूडेंट्स के साथ वाई लर्निंग दे कैन एरे ऑफ सेटिंग द टर्म रेफर टू द मोर प्रेफर्ड एंड एकट ऑल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल क्लास रूम मतलब क्लास रूम जैसा इन्वायमेंट होगा तो जहाँ पे बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे शांति से पढ़ पाएंगे इंट्रैक्ट कर पाएंगे टू वे कम्युनिकेशन कर पाएंगे स्टूडेंट्स के साथ टीचर और टीचर के साथ स्टूडेंट तो ये भी काफ़ी मैटर करता है लर्निंग एनवामेंट जिससे टीचिंग काफी अच्छे तरीके से हो पाती है सिक्स है इंस्टीट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विद वेराइटी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस टू द टीचर जनरेट्स अल्दी टीचिंग एनवायरमेंट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी टीचर को कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए एक हेल्थी एनवायरमेंट होना चाहिए ताकि टीचर अच्छे से पढ़ा पाए टीचर आर फ्री टू प्रिपेयर देयर लेसन प्लान एंड वेराइटी ऑफ टीचिंग एड्स ख़ुद को प्रिपेयर कर पाए स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो अच्छे से पढ़ा पाए न्यू टेक्निक्स के साथ इन टीचिंग प्रोसेट प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटिव डिसप्लिन ऑफ इंस्टीट्यूशन शुड बी फॉलोड बाई द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर शुड भी अवॉइडिड मतलब अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रेशर नहीं होगा तो टीचर काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा पाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इंस्टीट्यूशन शुड भी डिज़ाइन इन सच अ मैनर सो दैट बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टीचर स्टूडेंट टीचर पेरेंट अमंग टीचर एंड स्कूल स्टाफ ताकि अच्छे से वो सबसे कॉम्यूनिट कम्युनिकेट कर पाए अच्छा रिलेशनशिप बना पाए स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स के साथ एंड स्कूल स्टाफ के साथ तो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप की तरफ से कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए ये भी एक इम्पोर्टेंट मैटर करता है इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए सेवेंथ पॉइंट है टीचर्स ट्रेनिंग टीचर्स ट्रेनिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दैट एनहेंस टीचर्स टीचिंग स्किल्स मैटर न्यू नॉलेज डेवलप प्रोफिशेंसी विच हेल्प टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग टीचर्स की ट्रेनिंग होना भी बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम जिसके कारण वो अपनी प्रोफिशेंसी को एनहेंस कर पाएँ नॉलेज को एनहेंस कर पाएँ एंड स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझा पाएँ ट्रेनिंग विल हैल्प द टीचर टू अंडरस्टैंड वेरियस डोमेन ऑफ लर्निंग एंड प्लान लेसन एंड टीचिंग अकॉर्डिंगली मतलब टीचिंग के टीचिंग की जो ट्रेनिंग है किस तरीके से लर्निंग की जाती है किस तरीके से स्टूडेंट्स को समझाया जाता है उस तरीके की प्रोसेस को समझाया जाता है एंड फिर आगे टीचर्स के लिए हेल्पफुल रहता है किस तरीके का वो स्टूडेंट्स को समझाएँगे फ्रॉम द ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू थ्री कैटेगरीज है फर्स्ट है को टीचिंग स्किल्स कॉमन सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है सभी टीचर्स को एंड स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स जिस भी सब्जेक्ट के बारे में वो पढ़ा रहे हैं जैसे स्पेसिफिक होता है मैथ्स साइंस सोशल साइंस एंड थर्ड है टारगेट ग्रुप स्पेसिफिक स्किल्स मतलब एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस को कैसे टैकल करना है कैसे उनको समझाना है ये सब ट्रेनिंग में ही सिखाया जाता है टीचर्स को कैसे स्टूडेंट्स के साथ टेकल करना है एंड दिस विल ऑल्सो हेल्सो इम्प्रूव टू टीचिंग वाइल द टीचर्स ट्रेन देयर स्टूडेंट्स आई होप काइज़ आपको ये समझ में आया होगा आने वाली वीडियोज़ में हम और भी टॉपिक कवर करेंगे आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच काइज़